हेलो, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट व्लॉग में। मैं अभी यूएस और कनाडा के बॉर्डर में हूँ। मैं वैंकूवर में अभी राइट नाउ, और यहाँ से जो बॉर्डर पड़ता है वो वॉशिंगटन का है। मेरा मेन पर्पस है यहाँ पे वर्क परमिट लेना। मेरी स्टडी ख़त्म हो चुकी है और मैंने वर्क परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है, लेकिन मेरी एक फुल टाइम जॉब लगी है अभी। तो उसके लिए वो मैंडेटरी कह रहे हैं कि आपको वर्क परमिट चाहिए चाहिए, तो एक अर्जेंट सिचुएशन हुई, तो फिर अगर आप बॉर्डर पे आते हो तो फिर वो राइट अवे दे देते हैं आपको अपना आपका वर्क परमिट। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ यहाँ से, आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना होता है वगैरह, और वापस आती मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको ये वर्क परमिट के लिए। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना और मजा आएगा। काल होती है। तो जो इनिशियल सिक्योरिटी था वो क्रॉस कर लिया है, तो अब मैं ऐसे रास्ते में हूँ जो यूएस का भी नहीं है और कनाडा का भी नहीं है। तो आगे आपको दिख रहा है वो आगे जो दिख रहा है वो उसको क्रॉस करते ही मैं यूएस में पहुँच जाऊँगा, और मेरे पीछे जो जो बैरिकेडिंग है वो कनाडा है। तो आई एम समवेयर इन बिटवीन। तो मेरे ख्याल से लगभग 1 किलोमीटर चलना है जो आगे बैरिकेटिंग है यूएस बॉर्डर की, और जो आप उस तरफ देख रहे हो वो पैसिफिक ओशन है। काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा है यहाँ पे यार। नॉर्मली सर्दियों के महीने में ना सन ही नहीं होता, लेकिन अच्छा वेदर हो रखा है अभी। तो गाइस देखो यार, मैं एकदम बॉर्डर पे खड़ा हूँ, बाउंड्री पे। तो अभी मेरा पैर यूएस में है और मैं अब कनाडा में हूँ। देखा, ये मैं यूएस में आई, ये मैं कनाडा में हूँ। देखो कितना आसान है। और अपने यार इंडिया पाकिस्तान में कितना मुश्किल होता है ना। तो चलते हैं अब यूएस में। यूएस में जस्टिन थॉमस ने पैर रख दिया अब है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तो गाइस मेरा फ्लैग पोलिंग हो गया है। यूएस बॉर्डर जाने का मेन रीज़न यही होता है, पहले फ्लैग पोलिंग कराना पड़ता है। फ्लैग पोलिंग मतलब ये होता है कि अपना स्टेटस अपडेट करना। मैं स्टडी परमिट पे था, तो अब वर्क परमिट के लिए वो पहले फ्लैग पोलिंग करना पड़ता है, तब जाके वर्क परमिट मिलता है। तो अब मैं वापस कनाडा जा रहा हूँ, मतलब हाँ मैं जा रहा हूँ अभी। मैं यूएस में, मैं दिखाता हूँ वो मोमेंट्स when I'll just go back to Canada, है ना। ये देखो, ये border है और ये मैंने cross कर दिया। ठीक है, और अभी interesting चीज़ ये हुई, Joyce के पास ना, ये बंदा जो है उसके पास ना passport नहीं रहा, तो सालों ने बोला कि इतनी अकल नहीं है कि यार मतलब you are crossing the border without the passport। तो specially फिर से biometric वगैरह लिए, and we were a bit afraid, but at the same time I was laughing at the same for some strange reason ki hansi itni aa rahi thi ki matlab pakad liya, fir mere laga le pakad ke le jayenge bhai US mein andar ho gaya wagera nahi, mazak se hatke wapas chalte hain। To yaar US se wapas aake ek document wagera milta hai, to wo hame yahan pe dikhana padta hai Canada mein। To mujhe ek appointment letter mila 6 baje ka, abhi 4 baj rahe hain, to 2 ghante baad। To achhi baat hai ki aaj ke aaj khatam ho jayega jo bhi hai। तो जॉयस यहाँ पे 2 दिन पहले आया था, है उसको वर्क परमिट भी मिल चुका है। तो अब जाके बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो जॉयस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ स्टडी परमिट। तो स्टडी परमिट चाहिए होगा, ठीक है, और योर वर्क परमिट इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क इंटर्नशिप। हाँ, तो अगर आपका कोऑप होगा तो फिर आपको एक वर्क परमिट भी मिला होगा 2-3 महीने का, तो वो एक सेकेंड डॉक्यूमेंट हो जाता है। And you need the official transcript from the college। तो आपने जो स्टडी खत्म करी होगी तो फिर एक ट्रांसक्रिप्ट मिली होगी, तो ऑफिशियल चाहिए होगा, अनऑफिशियल से काम नहीं चलेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद एंड देन यू नीड अ कंप्लीशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज। हाँ, तो एक कंप्लीशन लेटर भी होता है ना, एंड देन कॉलेज से कंप्लीशन लेटर मिलता है, आपकी स्टडीज खत्म हो जाती है तो फिर एक कंप्लीशन लेटर भी मिलता है, एंड देन जस्ट योर पासपोर्ट।
एंड योर पासपोर्ट. तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंटली पासपोर्ट जरूर लेके आना. तो अगर पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो अभी शायद जेल हो जाती इसको. ही गॉट लकी तो बच गया तो, है ना. तो अभी चलो 6 बजे का वेट करते हैं और दिखाता हूँ मैं जो भी है. 2 घंटे हो गए और यार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया. मतलब भाई गाड़ी नहीं है ना यार. मतलब ये देखो यही स्ट्रगल है यार. मतलब स्टार्टिंग का स्ट्रगल है. इंटरनेशनल बंदों का यार मतलब है ना बहुत ठंड हो रही है. मतलब अभी भी ऑलमोस्ट 1 घंटा और रहता है और फटके हाथ में आ रही है. तो गाइस वर्क परमिट मिल गया मेरे बैग में. मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना. मैं हाथ बाहर नहीं निकालना चाह रहा. 2-3 घंटे वेट किया लेकिन वर्क परमिट मिल गया मुझे. तो लगभग पूरा दिन लग जाएगा अगर आप आ रहे हो तो. फिर ना सुबह आके ना शाम तक, मतलब अपॉइंटमेंट पे डिपेंड करता है आपको कितनी जल्दी मिलता है. तो पूरा दिन लगा के चलना, ठीक है. तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है. तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी तो वीडियो तो, ठीक है.